तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबको मेरा आपके यूट्यूब चैनल को किस तरह पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है इंडियन वेपन सेंड टू यूक्रेन, इंडिया रिजेक्ट अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट बाय प्रेसिडेंट अनुसार। तो दोस्तों ये है, देखो फिर से प्रोपेगेंडा, मिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैल रहा है अमेरिकन मीडिया। हमारा भरोसा है अमेरिकन मीडिया को बैन करने से, क्योंकि ये इन लोगों ने भी रशिया की मीडिया को, न्यूज़ मीडिया को बैन किया ना। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन को सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट दिया है, क्योंकि उसके यहाँ पे उस हॉस्पिटल में एक्सीडेंटली रशिया के बम गिरने से कुछ बच्चों का जान हो गया, इंजर हो गया, कुछ बच्चा मारा गया। इसलिए संतुष्टि करके, अफसोस करके मेडिकल इक्विपमेंट दिया और ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो दोस्तों पहले न्यूज़ देखते हैं, तो देने के बाद उसके बाद इस तरह पर डिस्कशन करते हैं। सोशल लेट्स गो ऑन द स्ट्रीट फॉर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू, मैं प्रशांत धवन। देखिए जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, टाइमिंग इज एवरीथिंग। एक इंफॉर्मेशन लंबे समय तक एक कंट्री का मीडिया दबा के रखता है, फिर जब उनको लगता है कि सही समय आ चुका है, अचानक से आप देखोगे वो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हाल ही में आपने देखा होगा वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापे स्टार्ट कर दिए थे एक ऐसे टाइम में जब पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करेंगे, इम्पोर्टेंट उनकी मीटिंग्स होगी यूएस में। उसी टाइम हम देखते हैं कि सडनली यूएस मीडिया ऐसे आर्टिकल छापे स्टार्ट कर देता है कि एक्सक्लूसिव एम्युनिशन मतलब कि असला बारूद भारत से ये आ चुका है यूक्रेन में, और यूक्रेन इसको इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से रशिया ऑब्वियसली बहुत ही जरा गुस्सा है, रेजिंग रशियन आयर। नाउ सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं ये बात, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये रिपोर्ट मिसलीडिंग है, स्पेक्युलेटिव है, ऐसा असल में कुछ हुआ नहीं है। और वर्ल्ड मीडिया ने इंडिया की इस बात को भी प्रॉपरली कवर किया है कि इंडिया रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ एमिरेशंस टू यूक्रेन एज स्पेकुलेटिव। मगर जो पूरी स्टोरी है जो बनाई गई है, वेस्टर्न मीडिया ने इनिशियली कहा क्या है ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आप यहाँ पर यह भी समझ पाओगे कि इवेंचुअली भारत को क्या एक एंड यूजर एग्रीमेंट के बारे में भी सोचना होगा कि जो हथियार हम बेचते हैं या फिर किसी हथियार का अगर शेल भी हम बेचते हैं, इवेंचुअली वो यूज कहाँ पे हो रहा है, क्या उसको भी टू द एंड पॉइंट ट्रैक करने की आवश्यकता है। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि अमेरिकन मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्लेम किया है, इनके हिसाब से इंडिया का असला बारूद यूक्रेन में पहुंचा कैसे। नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया यूक्रेन वॉर को 2.5 साल से ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, 2.5 साल। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी देश हो चाहे रशिया यूक्रेन, एक टाइम पे आकर एम्युनिशन की शॉर्टेज होगी। रशिया सिंस एक जरा बड़ा देश है, इनकी जो वेपन्स इंडस्ट्री है काफी एडवांस है, डेवलप्ड है, तो रशिया लार्ज स्केल पर खुद का एम्युनिशन भी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा रशिया को आज के समय एम्युनिशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स ये सब मिल रहे हैं नॉर्थ कोरिया से और ईरान से, और यूक्रेन को जो भी एम्युनिशन आज के समय प्रोवाइड किया जा रहा है वो या तो यूएस से आ रहा है या यूरोपियन कंट्रीज से। नाउ एक टाइम पे आकर यूरोपियन कंट्रीज के पास भी एम्युनिशन खत्म हो गया था, वो भी यूक्रेन की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। बाय द वे यूक्रेन को इस टाइप का एम्युनिशन चाहिए होता है, ये आप आर्टिलरी में डालते हैं और उसके बाद दुश्मन की जो धरती है वहां पर जाकर ये विस्फोट करता है। अब वेस्टर्न मीडिया ने इनिशियली ये रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों के हिसाब से कि इंडिया की एक कंपनी है यंत्र इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है और इस कंपनी से बहुत ही लार्ज स्केल पर इटली, चेक रिपब्लिक, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारा एम्युनिशन परचेज किया था, और ये जो एम्युनिशन है फिर चुपचाप आगे सेंड कर दिया गया यूक्रेन को। नाउ इसमें देखिए एक डीपर स्टोरी ये भी है कि काफी जगह ना आप डायरेक्टली कंप्लीट एम्युनिशन परचेज नहीं करते, आप बस शेल का जो बाहर का हिस्सा है वो भी परचेज कर सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज काफी बार इंडियन कंपनी से या फिर किसी और कंट्री की कंपनी से बाहर का जो हिस्सा होता है एम्युनिशन का ये परचेज कर लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं बारूद खुद और फिर आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम डेटा देखें तो देखो बहुत ह्यूज स्केल पर यूरोपियन कंट्रीज ने परचेज किया था इंडिया से एम्युनिशन। यहाँ पर आप देख पाओगे कमर्शियली अवेलेबल कस्टम रिकॉर्ड, जो अगेन ये सारी चीजें कमर्शियली अवेलेबल है सिंस सरकारी कंपनी है जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, इट इज वेरी मच अवेलेबल। कमर्शियली अवेलेबल कस्टम रिकॉर्ड शो दैट इन 2 years बिफोर फरवरी 2022 इन्वेजन 3 major एम्युनिशन मेकर्स यंत्र, मुनिशंस इंडिया, कल्याणी, ये तीनों इंडियन कंपनीज हैं
इन्होंने एक्सपोर्ट किया था म्यूनिशन वर्थ ओनली 2.8 मिलियन। ये हम यूक्रेन वॉर की स्टार्ट से पहले की बात कर रहे हैं। फिर एक बार जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाती है और जुलाई 2024 का डेटा अगर हम देखें तो जो ये फिगर है जो पहले 2.8 मिलियन डॉलर्स थी ये बढ़कर 135 मिलियन डॉलर्स के ऊपर हो चुकी है। तो इंडिया ने, इंडियन कंपनीज ने जो ये आर्टिलरी है ये बेची तो है यूरोपियन कंपनीज को, हमने ये इटली को बेची है, चेक रिपब्लिक को बेची है, काफी जगह एम्प्टी शेल्स भी किए हैं एक्सपोर्ट। मगर अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि उसके बाद ना इस एमिनेशन का क्या किया गया कि इसको यूक्रेन को दे दिया गया, और जब यूक्रेन के पास ऐसे शेल आ गए जहां पर लिटरली लिखा हुआ है शेल मेड इन इंडिया, और जब ये शेल विस्फोट होता है या फिर काफी बार विस्फोट नहीं भी होता, कभी कभी शेल फटते नहीं है, दे जस्ट ड्रॉप, तो रशियंस को जब ये शेल दिखी और वहां पे उनको दिखा मेड इन इंडिया, तो वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से ये जो भी सारी आपको बातें बता रहा हूँ, ये जो ये रिपोर्ट है ना म्यूनिशन फ्रॉम इंडिया एंटर्स यूक्रेन, इन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनके हिसाब से जब रशियन सोल्जर्स को दिखा कि ये जो एमिनेशन हम पे गिरा जा रहा है ये तो इंडियन मेड है, तो रशिया की गवर्नमेंट ने प्राइमरी रशिया के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, इन्होंने ये इशू इंडिया के साथ रेज भी किया था और इंडिया ने कहा कि देखिए हम इस मैटर को देखते हैं। बट अगेन यहाँ पे आप इंडिया को ब्लेम कर भी नहीं सकते। अगर मान लो ठीक है आज से कई साल पहले हमने कुछ एमिनेशन यूरोप के किसी कंट्री को एक्सपोर्ट किया भी था, अब हमें क्या पता उस एमिनेशन का वो आगे क्या कर रहे हैं। काफी जगह तो बिल्कुल एम्प्टी शेल्स इन्होंने परचेज किए हैं, अब उसमें वो बारूद डालकर किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी इंडिया पे आ सकती है। और यहीं पे इशू आता है एंड यूजर कमिटमेंट्स का। देखिए हमारा टारगेट है कि हमको 5 बिलियन डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर ये सोचने लग गए कि हम जिसको वेपन सेंड कर रहे हैं, वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कल को किसी और को एक्सपोर्ट ना कर दे, तो इससे हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के टारगेट के नंबर्स हैं इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो अब इंडिया के सामने देखिए बहुत ज्यादा एक मुश्किल सिचुएशन यही आती है कि एंश्योर करने के लिए कि हमारे दिए हुए जो एमिनेशन है ये किसी ऐसी वॉर में यूज ना हो जाए जहां पर दूसरी तरफ हमारा फ्रेंडली कंट्री है, क्या भारत को कंट्री से एंड यूजर कमिटमेंट लेनी चाहिए कि ये जो हम आपको बेच रहे हैं वेपन ये सिर्फ आप ही इस्तेमाल करेंगे, इसका एंड यूज कहीं और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि कल को ऐसा कोई आरोप हम पे लगे ही ना, कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश ही ना कर पाए, इसके लिए क्या हमें एंड यूजर कमिटमेंट लेनी चाहिए? क्योंकि आपने अगर एंड यूजर कमिटमेंट ले ली फिर तो आप दुनिया को साफ साफ दिखा सकते हो कि हमने तो देखिए एक्सपोर्ट किया इटली को, चेक रिपब्लिक को, और ये रही एंड यूजर कमिटमेंट कि इस हथियार को यूज करेगा इटली या चेक रिपब्लिक। ना कोई अपना कमिटमेंट तोड़ के, कानून तोड़ के कुछ कर रहा है वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, बट हमने अपनी तरफ से तो अपना जो काम है ये कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या हमको जो 5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का टारगेट है इसको इग्नोर करके कंट्रीज पर एंड यूजर कमिटमेंट की एक क्लॉज डालनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अगर एंड यूजर कमिटमेंट की क्लॉज डाल दी तो कई देश हैं जो एंड यूजर कमिटमेंट की क्लॉज नहीं डालते उनका एमिनेशन ज्यादा इन डिमांड आ जाएगा, इंडिया मार्केट में, वेपन्स मार्केट में पीछे रह जाएगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं जो ये एंड यूजर मॉनिटरिंग होती है, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस गवर्नमेंट का, मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, एंड यूज मॉनिटरिंग ऑफ यूएस ओरिजिन डिफेंस आर्टिकल्स। यूएस तो इस बात को लेता है काफी सीरियसली, देखिए यूएस के वेपन्स बिल्कुल और टाइप के होते हैं, F-16, F-35 या फिर कोई मिसाइल्स वगैरह जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, ऑब्वियसली हम एंड यूजर कमिटमेंट वहां पर करेंगे प्रॉपरली मॉनिटर, मगर एमिनेशन आप हजारों लाखों में करते हो प्रोड्यूस, एक ऐसा तो है नहीं कि आपने एमिनेशन बस 10 बना के सेल कर दी, 20, 50, 100 आपने सेल कर दी, ये तो लाखों में होती है। तो एमिनेशन का एंड यूजर ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगेन मुझे लगता नहीं है कि रशिया भी इंडिया पे जरा गुस्सा होगा, क्योंकि इंडिया क्लियरली कह सकता है कि हमने यूक्रेन को कुछ डोनेशन नहीं करी, ना यूक्रेन को कुछ बेचा है, बाकी हमसे कोई परचेज करके आगे जाकर यूक्रेन को बेच दे या डोनेट कर दे या दे दे, इस पर 100% कंट्रोल रख पाना तो काफी मुश्किल है। ये इशू बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट आप ये बात नोट करिएगा ये जो न्यूज है ना ये आराम से जुलाई के आसपास भी कर सकते थे पब्लिश, बट सडनली जब पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं दृश्य सामने आएंगे कि पीएम मोदी मिल रहे हैं जो बाइडन से, पॉसिबली ट्रंप से भी मिल रहे हैं, वहां पर कमला हैरिस से मिल रहे हैं, तभी ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है जो इवेंचुअली रशियन न्यूज रीडर्स तक भी पहुंचेगी। तो अगेन इसके पीछे एक बिल्कुल कोशिश है
कि इंडिया रशिया रिलेशंस भी खराब हो जाए, देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली क्या होता है। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जाफर हसन ये जो नाम है आजकल काफी न्यूज में है, आपको बताना है कि हाल ही में ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं किस देश के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कतर, जॉर्डन, इराक या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर की एक क्लासिक कोट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान्स हर कोई बनाता है, मैं ये करूंगा, उधर जाऊंगा, ये एग्जाम क्रैक करने का प्लान है, मगर कैसे आप करोगे ये? आपकी रणनीति क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके टीचर्स कौन है? दिस इज एवरीथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। और जो लोग लाइफ में प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, स्टडी आई क्यू उनके लिए लेके आया है, स्टडी आई क्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ 2026 का यूपीएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल बैच है, और ये बैच 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 2 दिन के बाद आप यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी आई क्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच का, फॉर द पीपल हु प्लान प्रॉपरली। तो इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे, यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। 36 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। आपका जो ऑब्वियसली जो पूरा सिलेबस है ये काफी बार कवर हो चुका होगा, इस टाइम में आपको काफी बार रिविजन मिल चुका होगा, आप बहुत बार जो हमारे टेस्ट सीरीज है ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे। यू विल बी प्रिपेयर्ड, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ एक प्लान वाले व्यक्ति नहीं होंगे, यू विल बी अ पर्सन हु हैज प्रॉपर प्लानिंग, हु नोज हाउ टू अचीव हिज गोल्स। तो कल रात 12 बजे एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी इस कोर्स में, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एनरोल इन दिस एंड प्रॉपरली प्लान योर यूपीएससी जर्नी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये वीडियो भी खत्म हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जानबूझकर हमारा जो रशिया और हमारे इंडिया का रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहा है। अभी अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर क्वाड समिट के लिए अमेरिका जा रहा है, तो मैं अमेरिका जाने से पहले देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर उसके देश की बिजनेस पर जाने की कोशिश कर रहा है और ये लोग खुद रिलेशनशिप करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले भी यूएस का एक डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में हमारा बारह छोकर और हमारा तो एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर को और फार्मर रशिप गोयल सर को और निखिल गुप्ता सर को समन किया है। ये उसका देश का कोर्ट है, इसका एक देश दूसरे देश का कोर्ट का सरकार को समन कर सकता है क्या? यह तो बिल्कुल अनलॉफुल एक है, ये बिल्कुल लॉ का एक है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई देश तो इसी हिसाब से तो अफगानिस्तान भी अमेरिका को सामने बेच सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भी तो 20 साल से अफगानिस्तान पर इतना आक्रमण किया था क्या, जस्ट बिकॉज तो ये लोग अपने देश को डिपेंड कर रहा था। 9/11 तो यह तो उसमें बिन लडन ने किया, तो उसमें बिन लडन तो बड़े तालिबान नहीं थे, तो अलकायदा है, तो उसको जब ढूंढा गया तो ये कहाँ पे मिला, इसको मिला पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान पर क्यों अटैक नहीं किया, इन्वेड नहीं किया, क्योंकि हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करवाने वाला तो मास्टर माइंड उसमें बिन लडन को आप लोगों ने रहने के लिए जगह दिया, तो पाकिस्तान ने क्यों अटैक नहीं किया अमेरिका ने? तो ये उन लोगों का दोगलापन है दोस्तों। तो अभी जानबूझकर हमारे दोस्त रशिया का हमारे इंडिया का रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हमारे इंडियन कंपनी ने एमुनेशन शेयर जो कुछ भी बेचा है या तो किसी यूरोप का कंपनी को बेचा है या तो यूट होने से पहले ही बेच दिया है, तो ये लोग अभी इसको तो किसको दान करके दे रहा है ये तो हम लोग को नहीं मालूम। ये लोग जानबूझकर हमारा इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों।
आई होप हमारा दूसरा शेयर भी समझ गया होगा कि हम रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है आज के मेरे रिएक्शन वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, बाय मटर फिश, जय हो।